स्पॉन्सरशिप में कितने पैसे मिलते हैं। सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ भाई कैसे कैसे कितने कितने सब्सक्राइबर बेस पर या कितने व्यूज पर कितने रुपीस मिलते हैं स्पॉन्सरशिप में। इस वीडियो से एक वीडियो पहले मैंने एक वीडियो डाली थी स्पॉन्सरशिप को लेके यूट्यूब पर, जिसमें मुझे काफी सारे कमेंट्स आए कि भाई हमारे सब्सक्राइबर बेस कम है, हम स्पॉन्सरशिप ले कहां से। तो भाई उसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो में लेकर आया हूं। तो कितने रुपए मिलते हैं, कहां से आप लोगों की स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं तो भाई तीन चीजें होती हैं जो एक कंपनी यूट्यूबर के अंदर या फिर यूट्यूब चैनल पे देखती है उसको स्पॉन्सरशिप देने से पहले, और स्पॉन्सरशिप देती है तो यही तीन चीजें वो देखती है भाई उसको पैसा देने से पहले, और कितने पैसे देगी कब देगी सारी चीजें इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड होने वाली होती हैं। तो ये तीन चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना और अपने पास अपने चैनल पर अच्छे से अप्लाई कर लेना, ताकि तुम्हें स्पॉन्सरशिप में बिल्कुल दिक्कत ना आए पैसों के मामले में, क्योंकि अल्टीमेटली स्पॉन्सरशिप पैसों के लिए ही ली जाती है, समझ गए। तो भाई सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कंपनी देखती है भाई वो है चैनल निश। अब चैनल निश भाई बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे मेरा है टेक चैनल है, व्लॉगिंग चैनल है, गेमिंग चैनल है, अलग अलग टाइप के कैटेगरीज इसमें दिखाई जाते हैं, उस हिसाब से काफी ज्यादा डिवाइड हो जाता है भाई यहाँ पर ब्रांड का पैसे देने का तरीका। सबसे ज्यादा यूट्यूब पर भाई मेरे नॉलेज के हिसाब से सबसे ज्यादा भाई टेक लाइन में बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है स्पॉन्सरशिप के अंदर, यानी कि फोन रिव्यूज हो गए, कोई प्रोडक्ट रिव्यू हो गया। एक जैसे कि मेरा खुद चैनल टेक से रिलेटेड है तो भाई इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी निश। और सबसे कम जितना देखा गया भाई यूट्यूब पर वो है भाई एंटरटेनमेंट के अंदर। एंटरटेनमेंट के अंदर ऑडियंस ज्यादा होती है तो पैसे कम होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि व्यूज ज्यादा होते हैं तो पैसे कम, ऐसा नहीं है। ऑडियंस ज्यादा मतलब भाई एज ग्रुप, छोटा बच्चा भी एंटरटेनमेंट की वीडियो देख रहा है और बड़ा आदमी भी एंटरटेनमेंट की वीडियो देख रहा है, तो वहां पर ब्रांड करेक्ट बंदे तक नहीं पहुंच पाता है तो भाई पैसे कम देता है, समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि भाई ब्रांड सिर्फ चैनल निश पर दे रहा है, टेक लाइन में जिसके 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उसको लाखों रुपए दे रहा है और जिसके 200 व्यू आ रहे हैं उसको भी लाखों रुपए दे रहा है, ऐसा नहीं है भाई। और भी दो चीजें मैटर करती हैं, उन्हें भी सुन लो। जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा यहाँ पर मैटर करती है वो है भाई सब्सक्राइबर बेस, व्यूअरशिप और एंगेजमेंट रेट। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता, व्यूज से कुछ नहीं होता, भाई उन्हीं से बहुत कुछ हो जाता है। जैसा कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जब मेरे खुद के 50,000 के करीबन सब्सक्राइबर्स थे उस समय तक मेरे एवरेज वीडियो पर व्यूज 10 से 12 हजार आते थे, और उस वक्त एक इंटीग्रेटेड वीडियो के मुझे इजीली 10,000 रुपए आराम से मिल जाते थे, और आज के टाइम पर मेरे एवरेज व्यूज 20 से 25 हजार पहुंच जाते, कुछ वीडियोस ज्यादा पहुंच जाती है, कुछ वीडियोस कम रह जाती है, तो आज के टाइम पर वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो सीधी सीधी बात है भाई व्यूअरशिप पे बढ़ गया है और चैनल के सब्सक्राइबर्स पे बढ़ गया है, क्योंकि भाई उस टाइम पे 50,000 के करीबन सब्सक्राइबर्स थे और आज के टाइम पे 1,10,000 प्लस है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जब व्यूअरशिप बढ़ेगी, एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे। हालांकि मैं स्पॉन्सरशिप काफी ज्यादा कम लेता हूं, क्योंकि भाई मुझे आप लोगों तक वही ऐप पहुंचानी होती है, वही प्रोडक्ट पहुंचाना होता है जो आप लोगों के काम का हो, सिर्फ उन्हीं चीजों की स्पॉन्सरशिप लेता हूं जो आप लोगों के काम आती है और मैं खुद भी यूज करता हूं, मुझे अच्छी लगती हो, वरना भाई मैं खुद ही नहीं लेता हूं। तुमने देखी भी होगी स्पॉन्सरशिप की वीडियोस मेरी खुद की बहुत कम आती हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वैसी लेनी। चलो कोई नहीं, अपने टॉपिक पर वापस आते, तो पहली चीज मैंने तुम लोगों को बताई कि भाई चैनल नेश बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, दूसरा भाई सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब तीसरी चीज जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है भाई टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब मैं तुम लोगों को इसमें एक चीज अच्छे से समझाना चाहता हूँ, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में अच्छे समझाई थी, आई बटन पर वीडियो पूरा डिटेल में समझाया था स्पॉन्सरशिप कैसे आती है, काफी लोगों को वहां से मिली भी, जिनको नहीं मिली कैसे मिलेगी वो अभी मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। बट हाँ, अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स 1,000 से ऊपर है तो भाई उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, उसमें अच्छे से मैंने बता रखा है, तुम्हें अच्छे पैसे वहां पर इजीली मिल जाएंगे। हाँ, तो सीधा तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है भाई टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ब्रीफ में समझाता हूँ, समझ लेना। इसका मतलब है भाई तीन टाइप की स्पॉन्सरशिप होती है, एक इंटीग्रेटेड, एक डेडिकेटेड, एक होता है बार्टर वाली। बार्टर सिस्टम में तुम्हें तीनों चीजें समझा देता हूँ कैसे कैसे होता है। इंटीग्रेटेड होती है भाई वीडियो के अंदर 60 सेकंड का उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझाना है तुम्हें, एप्लीकेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी होगा 50 से 60 सेकंड के अंदर इजीली अच्छे से समझाना होता है, वो होता है भाई आपकी वीडियो के बीच के अंदर, समझ रहे हो, इंटीग्रेटेड होता है वो। और डेडिकेटेड का मतलब होता है कि भाई एक पूरी वीडियो उस टॉपिक के ऊपर। मान लो कि अगर ये माइक वाले मेरे पास आते हैं कि भाई मेरे लिए एक
प्रोडक्ट वीडियो बनाओ डेडिकेटेड चाहिए। तो मतलब ये माइक के लिए मैं पूरी वीडियो अच्छे से बताऊंगा, मतलब इनका इसका टेस्टिंग भी करूंगा अच्छे से, एक एक चीज समझाऊंगा उसमें, समझ रहे हो। बार्टर होता है भाई 1000 सब्सक्राइबर से नीचे वाले लोगों के लिए, उसमें पैसे नहीं मिलते, उसमें प्रोडक्ट मिल जाता है। मान लो अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर से नीचे है, मान लो समझा रहा हूं, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर से नीचे है और आपको ये कंपनी वाला आता है कि भाई मेरे वीडियो का मतलब मेरे प्रोडक्ट के लिए एक वीडियो बना दो, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मेरा माइक रख लेना आप, समझ रहे हो। मतलब कंपनी आपको माइक दे देगी, पैसे नहीं देगी, तो वो बार्टर सिस्टम हो गया। मतलब आप वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो, वहां से आपको सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, आपका अच्छा रिव्यू भी जा रहा है, बट आपको यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ गए मेरे भाई, समझाना ही तो कल आया यार। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं भाई जहां पर ब्रांड आके अटक जाता है और यहाँ पर ही आपके पैसे डिसाइड किए जाते हैं। अब मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, डिस्प्ले भी कर देता हूँ भाई, कितने कितने सब्सक्राइबर्स पर कितने कितने एवरेज पैसे मांगे जा सकते हैं। भाई ये एवरेज है, कम ज्यादा अपने हिसाब से देख लेना, अपने चैनल के हिसाब से देख लेना, सब्सक्राइबर बेस, व्यूअरशिप, एंगेजमेंट रेट, सब कुछ भाई हिसाब सब लगा के तुम देख लेना अपने आप। कभी कल को आओ भाई, क्रिश भाई आपने तो 50,000 बताए थे, कंपनी मेरे पास 60,000 का ऑफर लेकर आ गई, आपने तो कम बताए। यार एवरेज बता रहा हूँ मेरे भाई, आपको अपने चैनल के हिसाब से खुद भी देखना पड़ेगा, समझो। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ भाई एवरेजली कितने पैसों पर कितने व्यूज क्या हिसाब कैसे कैसे रहता है। देखो भाई मैं पर्सनली तुम्हें एक एडवाइस दूं, अगर तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर से कम है तो भाई मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, पैसों के पीछे उस वक्त मत भागना, सीधी सीधी बात है, बार्टर सिस्टम पे काम कर सकते हो। बार्टर सिस्टम से फायदा ये है कि भाई तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम्हें मिल भी जाएगी। दूसरा सबसे अच्छी चीज यहाँ पर मेरे हिसाब से वो रहती है कि भाई तुम्हारे अगर वो प्रोडक्ट पे अच्छे खासे रिव्यू बन गए, अच्छे खासे व्यूज आ गए, तो भाई वहां से सब्सक्राइबर बेस भी आ जाएगा, 1000 वैसे ही पार हो जाएंगे यार, 10-15 हजार व्यूज आ गए तो। वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो अपनी क्वालिटी वगैरह पे ध्यान तुम्हें खुद ही देना पड़ेगा। तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ भाई, 1000 से लेकर 10,000 के करीबन अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं और आपके एवरेज व्यूज भाई 3-3.5 हजार आ रहे हैं, तो आप इजीली 4-4.5 हजार इजीली चार्ज कर सकते हो एक वीडियो का, डेडिकेटेड का, मतलब कि पूरी वीडियो का। इंटीग्रेटेड करोगे तो आधा कर लो इसको, मतलब कि अगर 5,000 रुपए कंपनी दे रही है डेडिकेटेड की, तो इंटीग्रेटेड के 2,500 इजीली दे देगी। वहीं पर भाई अगर तुम्हारे 10,000 से 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो और एवरेज व्यूज तुम्हारे 20-25 हजार आ रहे हैं, तो भाई तुम इजीली लेकर चल सकते हो 20-25 हजार रुपए अपना डेडिकेटेड वीडियो के लिए, और इंटीग्रेटेड के लिए इजीली कंपनी भाई 8-12 हजार रुपए इजीली निकाल के दे देती है। सब्सक्राइबर बेस भी लेकर चलना भाई और व्यूअरशिप भी, समझ रहे हो। तीसरा भाई यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बेस आ जाता है जो कि 50,000 सब्सक्राइबर से 1,00,000 सब्सक्राइबर का है और तुम्हारे एवरेज व्यू यहाँ पर 50-60 हजार अगर इजीली बन रहे हैं, तो भाई कंपनी यहाँ पर तुम्हें 50-60 हजार रुपए सीधा सीधा दे देती है, कोई इशू नहीं करती। और इंटीग्रेटेड मतलब कि वीडियो के अंदर 50-60 सेकंड बोलने के लिए इजीली से भाई 20-25 हजार इजीली निकाल देती है। और वहीं पर भाई अगर तुम्हारे 1,00,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, 1-2 लाख के करीबन, और एवरेज व्यूज भाई 60-70 हजार के करीबन बन रहे हैं, तो 60-70 हजार इजीली कंपनी दे देगी। और भाई अगर इंटीग्रेटेड में जाओगे तो भाई 30-35 हजार इजीली निकाल देगी, मतलब भाई इंटीग्रेटेड के लिए आधा कर लो डेडिकेटेड का, समझ रहे हो। और भाई अगर उससे ऊपर जाते हैं 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स, यार उतना तो भाई मुझे खुद ही अभी मैं हूं नहीं और मुझे खुद अभी मिले भी नहीं है उस हिसाब से, तो भाई उस हिसाब से मैं बता नहीं पाऊंगा तुम्हें, बट भाई फिर भी लेकर चलो इस हिसाब से आइडिया लगा लो अपना कि भाई अगर तुम्हारे उससे ऊपर सब्सक्राइबर्स है तो भाई इजीली तुम निकाल दोगे, इस हिसाब से लगा लेना। मतलब अगर 1.5 लाख व्यू आ रहे हैं एवरेज, तो भाई कंपनी 1,20,000 1,30,000 इजीली निकाल के दे देती है, मतलब एक व्यू पे 1 रुपए एवरेज लेकर चल लो आप, समझ रहे हो भाई। निश टू निश भी डिपेंड करता है, एंटरटेनमेंट हो थोड़ा कम रहेगा, टेक हो तो भाई ज्यादा भी रह जाता है। जैसे कि भाई टेक बर्नर के 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और एवरेज व्यूज 10 लाख के करीब आते हैं, तो तुम समझ लो, ठीक है। तो भाई इस चीज को तुम माइंड में लेकर चलो, जो जो चीजें मैंने तुम्हें समझाई है उस चीज को समझो, काम बन जाएगा, काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना बन जाता है भाई, सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। तो भाई जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है इस चीज को समझो, अप्लाई करो चैनल पे, कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी स्पॉन्सरशिप आ जाती है। अब सीधा बात करते हैं भाई, जो आप लोग बोल रहे थे कि भाई स्पॉन्सरशिप मिलेगी कहां से, हम लोग को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, तो भाई थोड़ा सा सर्च करो ना यार, भाई गूगल प्ले स्टोर पर जाओ भाई, इतनी सारी वहां पर सर्च कर लो यूट्यूब स्पॉन्सरशिप, इतनी ऐप मिल जाएंगी जहां पर आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही होती है भाई, बार्टर में मिल रही होती है, इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड, और वो प्राइस भी थोड़ा सा मतलब मार्केट से थोड़ा सा कम मिलता है, बट भाई वहां प्राइस अच्छा मिल जाता है, समझ रहे हो। तो वहां पर बहुत सारी कंपनीज होती है भाई जो
छोटे छोटे यूट्यूबर्स को, बड़े यूट्यूबर्स के लिए भी होती हैं, छोटे यूट्यूबर्स के लिए भी होती हैं, वहां पर स्पॉन्सरशिप दे देती हैं। बस भाई थोड़ा सा एफर्ट तुम्हें भी लगाना पड़ेगा, तुम्हें भी सर्च करके देखना पड़ेगा, तो भाई उसको सर्च करो। बाकी अगर तुम्हें स्पॉन्सरशिप के बारे में अच्छे से डिटेल में समझना है तो भाई आई बटन पर वीडियो है, उसको ध्यान से और बहुत अच्छे से देख लेना। सो आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली बढ़िया वीडियो के साथ, ओके टेक केयर। अब तो भाई वीडियोस भी रेगुलर आ रही है, कमेंट कर देना, चैनल प्रमोशन भी चल रहा है, टेक केयर।